गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि अगर प्लस क्यू चार्ज अवेलेबल है कहीं पर, तो अगर हम कोई दूसरा चार्ज उसके दायरे में लेकर आते हैं या उसके एरिया में लेकर आते हैं, तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता है बेटा, वर्क डन वहाँ पर हमें करना पड़ता है, ठीक है। उस वर्क डन को हमने बताया था कि वो जो वर्क डन हम करते हैं वो वर्क उसमें किस फॉर्म के अंदर सेव हो जाता है, वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है बेटा, सेव हो जाता है। और फिर जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर हम किस लॉ का फॉलो कर रहे थे, यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहे थे, क्लियर है। अब आज हम देख लेते हैं उसके आगे से बेटा कि वो जो पोटेंशियल हमने निकाला था, हमने उसे नाम दिया था कि वो जो वर्क डन हम कर रहे हैं ए से बी तक ले जाने में, तो हमने उसकी वैल्यू निकाली थी, इसको हमने यू से डिनोट किया था अगर आपको याद है तो हमने उसको नाम दिया था कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हम फोर्स भी लगा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। 11th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है ना। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो अगर आपको बोला जाए कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, द रेशो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजिशन, इन्फाइनाइट से लेकर आए थे ना हम, इन्फाइनाइट टू द किसी फिक्स पॉइंट पर लेकर आए थे, पी पॉइंट के ऊपर, फिक्स पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, है ना। द रेशो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, है ना। मतलब किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी फिक्स पोजीशन तक लाने के लिए जो वर्क डन हमने किया है वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बेटा हम इसे, वी से, ठीक है। इफ डब्ल्यू इज वर्क डन, है ना, डब्ल्यू हमने क्या किया है, वर्क डन मान लिया, कैसे, जो चार्ज को हम लेकर आए हैं इन्फिनाइट से किसी फिक्स पॉइंट पर, है ना, और जो चार्ज को लेकर आए हैं, है ना, यूनिट चार्ज हमने मान लिया, यूनिट चार्ज जिस चार्ज को हम लेकर आए हैं इन्फाइनाइट से फिक्स पोजीशन तक वो है क्यू नॉट। तो देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, रेशो हो जाएगा किसका, वर्क अपॉन में क्यू नॉट का, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, डायमेंशन फार्मूला V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V अपॉन Q नॉट, वी डब्ल्यू अपॉन में Q नॉट, ठीक है। वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, M L स्क्वायर T माइनस टू, ठीक है, ये होता है। और Q नॉट का तो क्या हो जाएगा हमारा, हमने चार्ज का पता होता है ना, तो यहाँ से T की, तो V की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, V की वैल्यू निकल के आ जाएगी M L स्क्वायर टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ से हमारे पास किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा बेटा,
इज पोटेंशियल का, क्लियर है। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाती है बेटा इसकी, देखिए जो पोटेंशियल होता है वो तो होता है 1 वोल्ट के बराबर, है ना। वर्क को हम किस में मानते हैं, जूल में मेज़र करते हैं। चार्ज को हम किस में मेज़र करते हैं बेटा, चार्ज को हम कूलम में मेज़र करते हैं, है ना, कूलम में हमने मेज़र कर दिया चार्ज को। तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, V इज इक्वल्स टू जे अपॉन में सी। तो ऐसा यूनिट क्या निकल के आ जाएगी बेटा इसकी, क्या निकल के आ जाएगी ऐसा यूनिट यहाँ पर इसकी, ऐसा यूनिट आ जाएगी V इक्वल्स टू जे सी इनवर्स, है ना। ये जो है उसकी ऐसा यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, निकल कर आ जाएगी। मतलब 1 वोल्ट वो पोटेंशियल हो जाएगा कि अगर 1 जूल का वर्क हमने किया, किसे 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए हमने यहाँ पर किया है, तो वो क्या कहलाएगा, उन दोनों के बीच का रेशो 1 वोल्ट के इक्वल वो हो जाएगा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं आज। हम डेरिवेशन है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट चार्ज के कारण वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ जनरेट हो रहा है उसकी बात हम वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने ओरिजिन बना लिया पॉइंट का O, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया हमने P, ठीक है। O से जो P की डिस्टेंस है बेटा वो हमने कितनी मान ली, वो हमने मान ली R, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन्फेनाइट से, है ना, अब हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर जो सोर्स चार्ज है बेटा वो है प्लस Q चार्ज, है ना। सोर्स चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है, है ना, उससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P अवेलेबल है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उसका जो अमाउंट है चार्ज का वो फैल रहा है, ठीक है। चार्ज यहाँ तक उसको ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज है क्यू नॉट, है ना, जिसको हम कहाँ से लाए हैं, इन्फेनाइट से उठा कर कर लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू नॉट को रख दिया, जिसको हम कहाँ से लेकर आए हैं बेटा, इन्फेनाइट से उसको हम यहाँ तक लेकर के आए हैं। और हमने मान लिया कि इस ओ से इस क्यू की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, वो हमने मान ली कितनी है, एक्स है, है ना। ओ से पी की डिस्टेंस आर है और ओ से क्यू नॉट की डिस्टेंस जो है वो एक्स है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस का क्यू नॉट चार्ज है, तो अब दोनों चार्जेस हैं, तो हमको पता है फ्रॉम कूलम्स लॉ फोर्स लगेगा कुछ ना कोई, कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स जो है वो लगता है 1/4πQ Q0 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स तो इन दोनों चार्जेस के बीच में बेटा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। अब हमें यहाँ पर वर्क डन करना रहेगा ना, तो वर्क डन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ज को थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अब हमने मान लिया कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है किस पर रखा है बेटा, पॉइंट ए पर रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इन्फेनाइट से हमने इसको पॉइंट ए पर ला के रख दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए से कहाँ तक लेकर आते हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट बी बना लेते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब ये तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स लगेगा, है ना, और कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हम अब इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करेंगे, वर्क करेंगे। हमें क्या करना है, उसे डिस्प्लेस कराना है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको क्या करना है बेटा, लेकर के आना है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, डी एक्स, काफ़ी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब हम भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे, है ना, जब भी हम क्या करेंगे, तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा वहाँ पर बेटा, वर्क डन होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग टेस्ट चार्ज, किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी,
है ना, ए से बी तक लाने में क्यू नॉट चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमने जो मान लिया वो है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क करें ना, छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं डी एक्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, तो फोर्स हमने कितना लगाया एफ लगाया और डी एक्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं कि थीटा कॉस थीटा कितना निकल के आएगा, तो कॉस थीटा तो कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन होती है ना, कॉस 180 कितना हो जाता है माइनस, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, और कॉस 180 कितना होता है बेटा, कॉस 180 होता है माइनस वन, तो ये डी डब्ल्यू हो जाएगा हमारा एफ डॉट डी एक्स कॉस थीटा, तो ये डी डब्ल्यू की वैल्यू किस में आ जाएगी माइनस एफ डी एक्स। और वैसे भी हम क्या करते हैं, हम फोर्स के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो हमारा वर्क डन क्या कहलाएगा बेटा, वैसे भी हमारा वर्क डन किस में आएगा बेटा माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब हमने जो वर्क किया है वो क्या किया है, इन्फेनाइट से कहाँ पर लेकर आए हैं पॉइंट पी तक हमको लेकर के आना है ना, इन्फेनाइट से पहले बी ए पर लाए, ए से बी पर, और बी से हम कहाँ लेकर आएंगे उसको पी पर, तो हमें वर्क डन कहाँ से करना है इन्फेनाइट से लेकर आर तक हमें क्या करना है वहाँ पर, या x तक हम मान लेते हैं कि x तक क्या करना है हमें वहाँ पर वर्क डन करना है, क्लियर हो रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम f की वैल्यू भी पुट कर देंगे माइनस के साइन के साथ में, इन्फेनाइट से लेकर आए हैं कहाँ तक x डिस्टेंस तक लेकर आए हैं, ठीक ना, तो f की वैल्यू तो हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई क्यू क्यू नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और डी एक्स तो हमारा है ही, तो डी एक्स चल रहा है, अब जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम कहाँ ले आएंगे इंटीग्रेशन के बेटा बाहर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, है ना, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में ये माइनस के साइन के साथ में, अंदर बचेगा इन्फेनाइट टू एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन निकलेगा। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, इन्फेनाइट से लेकर एक्स तक करना है, ठीक है। तो हमें फार्मूला पता है कि क्या होता है इसका फार्मूला, है ना, एक्स की पावर टू है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फेनाइट टू एक्स एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स, इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा लिख सकते हैं। अब हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n इंटू डी एक्स का, इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर टू है, ठीक है, तो w की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस टू थी ना, तो माइनस टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, है ना, इन्फिनाइट्स टू x, इसकी लिमिट जो है वो चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा w इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या बचेगा x की पावर माइनस वन, अपॉन में भी क्या बच जाएगा माइनस का वन, इन्फिनाइट टू कहाँ तक चल रहा है x तक, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, w इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन इंटू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन x, लिख सकते हैं इन्फिनाइट टू x। अभी जो लिमिट है वो हम रख देते हैं, तो क्या होती है अपर लिमिट माइनस क्या हो जाती है बेटा लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रख देते हैं पहले, तो ये हो जाएगी x, और लोअर लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगी वन अपॉन इन्फेनाइट, है ना, वन अपॉन इन्फेनाइट की वैल्यू तो क्या हो जाती है बेटा वन हो जाती है, ठीक है, ज़ीरो हो जाती है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, हमारे पास में जो फिक्स वैल्यू बचेगी वो बन जाएगी w इक्वल्स टू क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, है ना, x हमने रखा है, तो ये क्या आ जाएगी बेटा हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी वर्क डन की। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो निकालना है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कितना होता है, वर्क अपॉन में क्यू नॉट होता है, वर्क की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू क्यू नॉट अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन में क्यू नॉट, है ना, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
एक्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी।